अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं कॉलेज, और जैसा कि आपको पता थोड़ी थोड़ी सर्दी आ गई है, मौसम इंजॉय कर रहे हैं, और आज हमारा है पेपर, तो अभी जाते हैं और दिखाते हैं आपको सीन्स क्या है। अभी यहाँ पे नए रोड्स भी बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब हुकूमत बस काम वगैरह करवा रही है। आजकल अच्छे दिन आए हुए हैं, ये देखें यहाँ पे ये रोड ब्लॉक किया हुआ है बनाने के लिए। यहाँ पे यार ये देखें टू वे ट्रैफिक वन लाइन पे जा रही है, क्योंकि ये वाला रोड अभी साथ वाला मतलब उन्होंने बंद किया है बनाने के लिए, तो अभी हम इधर से ही जा रहे हैं। भाई साहब कॉलेज पहुँच चुके हैं, ठीक है, अभी सीन आ जाए पेपर है इंग्लिश का, सिलेबस बहुत ज़्यादा है यार, बड़ा पूरा कुछ नहीं है सामने, देखें कोई है तो नहीं। टीचर यहाँ पे पेपर्स के लिए तैयारी होना शुरू होगी, बाकी फिर बाद में मिलता हूँ। बस हैं अभी भाई, अल्लाह का शुक्र। पेपर की कैसी तैयारी है भाई? ये लफ्ज भी नहीं पढ़ गया मैं, आप कसम से यार। ये देखें इन्होंने गंदा काम शुरू किया ग्राउंड में पेपर लेने का। चेंज हो गया आज जो पेपर है ना वो क्लासेस में ही होगा, ठीक है, बाकी लास्ट टाइम सर ने काम करवाया था वो बोर्ड पे वो हुआ है। तो पूछते हैं अदीप भाई कैसी तैयारी है? सही दस यार, ये हमारे टॉपर हैं अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है? भाईजान चारी कर रहे हैं पढ़ रहे हैं अहमद हमारे गुलाब जामन भाईजान, क्या हाल है, कैसी तैयारी है? ये बेडरूम में बैठे हुए हो हैं भाई? भाईजान ये बेडरूम में बैठे हुए हो यार, पढ़ दे कैसी तैयारी है यार, कैसे शम्मू आ गई, शम्मू शम्मू कैसी तैयारी है, जबरदस्त की एडल रह गए ना बड़ा। अदल भाई जान क्या रही है? नहीं है, कर लेंगे सारा कोई आसपास वालों में भरोसा, और किसी को कोई तैयारी नहीं। देखो यार हर बंदा तैयारी करता है। आप साहब कैब पह के आइए, की हाल है, पढ़ाई कैसी हो रही है, तैयारी कैसी है? ये कैब क्यों पहन गए हो? ज़्यादा ठंड लगती है। मैं आपको बताता जाऊँ आज हमारे कॉलेज में है सेटअप का इंग्लिश का टेस्ट, और ऐसा लेवल का टेस्ट कि हर बंदा ही ऐसे खड़ा है जैसे इनका वॉशरूम अभी निकल जाए। अभी पेपर हो चुके हैं यहाँ पे, क्लास में पेपर हो रहे हैं, इनके देखें सर से क्लैन पेपर ले रहे हैं, बाकी यहाँ पे पेपर चल रहे हैं, अभी हम लोग जाते हैं बाहर। पेपर कैसा हुआ? गैर वैसे ही लोग वगैरह बना रहा था, अभी सीन पता है क्या हुआ, मतलब जो हमारे यहाँ क्लास के टीचर्स वगैरह यार बहुत अच्छे हैं, पर्सनली बताऊँ यार मतलब अच्छे हैं, ठीक है, और मतलब एक एम ही रैंडम सर थे, नाम भी नहीं पता गया, अभी उनका कोई ताल्लुक भी नहीं है ना उनके सामने कोई ब्लॉग बनाया है वो सर, सर हमने मतलब एक हमारे सर है उनके सामने मैं बना रहा था, और सर ने कुछ भी नहीं कहा, मतलब यार हम लोग का सर के साथ शुगर वगैरह चलता रहता है, बड़े अच्छे सर हैं सारे टीचर्स में ऑलमोस्ट ना, लेकिन कुछ होते हैं यार उनको होता है ना मसला, क्या गए बंदा एवं यार तब भी चढ़ाते हैं बाकी, लेकिन यार बाकी टीचर्स अच्छे हैं, मेरे क्लास टीचर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छे हैं। एक आए थे यार एवं बार मैं पता भी नहीं कौन सी क्लास के थे, कहते हैं मोबाइल दो ये वो, मैंने कहा सर मेरे पास है लेकिन मतलब मसला क्या हुआ है, वो कहते हैं इस तरह आप मतलब मोबाइल आते ये वो अलाउ ही नहीं है, मैंने कहा सर ठीक है मतलब मैं आपके तो नहीं बना रहा, जिस सर के सामने बना रहा था यार उनका पकड़ना बनता था, अगर वो पकड़ते कि मतलब उनके सामने बना रहा हूँ, तो वैसे ही मतलब वो ना कर रहे थे काम, फिर लेकिन बाद मिल गया मोबाइल मुझे, कोई इतना हुआ नहीं, लेकिन एम यार मुझे पता क्या सब चटी है, छः बार मैं फाइन भर चुका हूँ, मेरे जितना फाइन किसी ने नहीं दिया होगा इस बार, मैं लेकिन फिर भी ढीठ हूँ, मैंने मोबाइल लाना है तो मैं भी चला गया यार गुस्से, मेरे मोटरसाइकिल उधर लगी है, अब टीचर है यार बंदा कुछ कह भी नहीं सकता। बाकी यार ये देखें किप्स कॉलेज, यार पेपर कैसा हुआ है? यार मेरा खुद ही लेवल का हुआ है, भाई ने पूरी स्कीम लगाई हुई थी, मैंने कहा भाई ने तो पूरी स्कीम लगाई हुई थी,
अबे ब्लॉग में खुद ही तो तूने दिखाई थी सनशाइन, तूने खुद ही तो दिखाई थी ब्लॉग में। वो तो भाई मैंने देखा दिखाई वो साड़ी नहीं आती हाँ हाँ यार मेरा सीन पता है क्या हुआ है, मैंने इंग्लिश कैसे लिख रहा था ठीक है, उसमें ना मैंने कहा ऐसी वो बुलिंग वगैरह करते हैं ना सीनियर तो यार मतलब ट्रैकिंग करते हैं, तो उसमें ना मैंने कहा एक लड़के से गाना करवाया, मेरा डोला नहीं आया डोला, मैं पूरी क्लास में वही गाता रहा ऊँची आवाज़ में है गाया ना मैंने मैं पूरी क्लास में बोलता रहा मेरा डोला नहीं आया यार ऐसे एक फनी सा सॉन्ग लगता है, अब मैं ना ऐसे ही ऐसे में लिख दिया और बोलता रहा। और यार क्या हाल है यार, कसम से मोहब्बत है आप लोगों की, थैंक यू। अरे वो पीछे रह गया उसको देखें। सो गाइज आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा, इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल हिट द बेल आइकन, मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।